दोस्तों आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता से ऐसी 10 बातें बताऊंगा जिससे आपके सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाएगी और आप लाइफ में उन्नति कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दुर्बलता त्याग कर कर्म कीजिए। हम में से ज्यादातर लोग किसी भी कार्य को हाथ में लेते समय तो बहुत जोश में होते हैं, परंतु बाद में किसी न किसी तर्क का बहाना बनाकर उसे बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए आप जो भी कार्य प्रारंभ करें उसे भगवान का आदेश मानकर पूरा करके ही छोड़ें। गीता का यह पहला उपदेश आपको एक समय में एक ही कार्य करना तथा जो कार्य हाथ में लिया उसको पूरा करने का आदेश देता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो समझो आपने अपनी गुप्त शक्तियों को जागृत करने का पहला दरवाजा खोल दिया है। अतः आप जो भी निश्चय लें अच्छी तरह सोच समझकर एक बार ही लें, उसके बाद उसी पर भगवान का आदेश समझकर चलें। बार बार विचार बदलने वाले मनुष्य नहीं बने, इससे आपकी इच्छा शक्ति का विकास होगा व आपके काम जल्दी पूरा होने लगेंगे। नेक्स्ट, आपका शरीर निरंतर नष्ट हो रहा है परंतु आप नष्ट नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर ग्रहण करता है। आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है तथा ना सुखाया जा सकता है। आत्मा सदैव एक शाश्वत, सर्वव्यापी और स्थिर है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है तथा मृत्यु के पश्चात वापस जन्म भी निश्चित है। अतः यह अपरिहार्य विषय है जिसके लिए शोक करना उचित नहीं है। इसीलिए इस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए आप जो भी करें उसे अपने शरीर के रूप में ना करें। आप उससे अलग होकर अपना साक्षी भाव जगाइए। जैसे आप मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे हैं तो ये भाव लाइए कि आप मैनेजर नहीं हैं, आपका शरीर मैनेजर है तथा आपको यह पद एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपके शरीर को भगवान ने मैनेजर का रोल दिया है तो आप चुपचाप उसे निभाइए। आप निरंतर परिवर्तन, बचपन, जवानी, बुढ़ापे को देखते रहिए तथा समझिए कि यह निरंतर परिवर्तित होता रहेगा। आप इससे अलग आत्मा है। आत्मा सदैव एक शाश्वत, सर्वव्यापी और स्थिर है और वो आत्मा आपका असली स्वरूप है। बाकी सब धोखा है। जैसे आपके बचपन का रूप धोखा था जो बीत गया, वैसे आज के रूप भी बीत रहे हैं। इसमें आपको मोहित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, समता का भाव जागृत कीजिए। सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों के विषय मोहित नहीं करते वह मुक्ति के योग्य है। सभी परिवर्तनशील पदार्थ, भौतिक वस्तुएं, शरीर, घटनाएं, परिस्थितियां असत है क्योंकि ये आती है और बीत जाती है। अतः इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये सब नाशवान है। जो लोग इंद्रिय भोगों तथा भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती तथा बार बार बदलती रहती है। जबकि ज्ञानी को अपनी आत्मा में परायण रहना चाहिए तथा सदैव अपने भगवान को याद रखकर सुख दुख से रहित होकर ना तो अप्राप्त वस्तु की कामना रखनी चाहिए तथा ना ही प्राप्त वस्तु की रक्षा की कामना रखनी चाहिए। बस चुपचाप शांति से अपना काम भगवान को याद करते हुए करते रहना चाहिए तथा जो सत है वह सब जगह व्याप्त है, वही आत्मा है, वही संपूर्ण जगत है। अतः उस अविनाशी सत का कभी अभाव नहीं होता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, फल की इच्छा से मुक्त होकर अपना कर्म कीजिए। मनुष्य को कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फल में अधिकार नहीं है तथा मनुष्य को कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अतः आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समभाव से रहकर कर्म करते रहने का नाम ही कर्म योग है। फल की इच्छा से सकाम कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी कर्म मात्र ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर के निमित्त करना चाहिए। अपने सभी कर्मों को भगवान के लिए संपूर्ण कुशलता से पूरा करने वाला कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्यादातर लोग अपना काम भगवान के लिए नहीं करके नौकरी बचाने के लिए, बॉस की खुशी के लिए, पैसे कमाने के लिए करते हैं। आपको कर्म वही करना है, बस नजरिया चेंज करना है कि आप कर्म कंपनी, नौकरी, बॉस या पैसे के लिए ना करके भगवान के लिए कर रहे हैं। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। अर्थात आप अपने कर्म को पुरस्कार या लाभ की आशा से मत कीजिए। आप अपने कर्म को कुशलता से भगवान का कार्य मानकर भगवान को खुश करने के लिए कीजिए। बॉस की चापलूसी करना बंद करके भगवान को अपना बॉस मानिए। बॉस से पदोन्नति, पुरस्कार व सम्मानित होने की आशा का त्याग कर दीजिए। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए जब काम करेंगे तो आपको नाशवान दुनिया के झूठे व काल्पनिक पुरस्कारों व सम्मान प्राप्ति के लिए अपना खून जलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब आप इन पुरस्कारों व सम्मान की आशा
त्याग देंगे तो भगवान की तरफ से मिलने वाले पुरस्कार आपको दंग कर देंगे। नेक्स्ट, फालतू के अंधविश्वासों में मत उलझिए। जब मनुष्य की बुद्धि मोह से ऊपर उठ जाती है तब वह वेद शास्त्रों के प्रति भी विरक्त हो जाता है तथा सकाम कर्म कांडों से विचलित न होकर आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाता है। तब किसी पूजा पद्धति वैदिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। यदि कोई व्यक्ति सकाम कार्य करता हो अर्थात फल की इच्छा से अनुष्ठान आदि करता है तो भी ज्ञानी व्यक्ति को उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि सकाम काम सकाम उपासना से भक्ति भाव दृढ़ होने पर वह स्वतः ही निष्काम भक्ति में आ जाता है। अर्थात जब तक भक्ति भाव की दृढ़ता नहीं आए, आपके मन में ईश्वरीय शांति का अनुभव न हो, तब तक आप अपनी जो भी उपासना पद्धति हो उसे भी भगवान के निमित्त पूर्ण मनोयोग से करें। गीता आपको मन की सोच बदलने की प्रेरणा देती है। कोई भी कर्म बदले बगैर सोच बदली जा सकती है। नेक्स्ट, अपने मन में निरंतर भगवान का स्मरण चलाइए। आपका मन निरंतर भौतिक वस्तुओं, भौतिक इच्छाओं, बाहरी जगत के बारे में सोचता रहता है। इससे आपकी शक्ति छीन होती है तथा इस सोच से ही आपको तनाव, हृदय रोग व अन्य तनाव जनित बीमारियां होती है। मनुष्य को इंद्रियों को वश में करने के लिए लगातार भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि मन यदि इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है तो उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी आसक्ति की पूर्ति के लिए इच्छा उत्पन्न होती है तथा इच्छाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तथा मनुष्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए सीधा सा सिद्धांत यह है कि अपने मन में निरंतर भगवान का स्मरण चलाइए। चाहे वो भगवान का कोई नाम हो, कोई मंत्र हो, उसे मन में दूसरे विचारों को रोक कर जपते रहिए। इसे नाम जाप भी कहते हैं। कलयुग नाम आधारा ऐसा कहा गया है, अतः नाम चाहे कोई भी हो, मंत्र चाहे कोई भी हो, लाभ एक जैसा ही होगा। आपको जो अच्छा लगे वो नाम या मंत्र चुनकर सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए उसको जपते रहिए और काम भी करते रहिए। नेक्स्ट, कर्म करना मत त्यागिए। कर्मों का त्याग करना या नियत कर्मों को नहीं करना संन्यास नहीं है, इससे सिद्धि नहीं मिलती। प्रत्येक व्यक्ति प्राकृति जनित गुणों के कारण एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आप मन में जो कर्मों के बारे में सोचते हैं वह ज्यादा हानिकारक है, ना कि कर्म करना हानिकारक है। जैसे किसी से आपका विवाद हो गया हो तो यह उतना हानिकारक नहीं है जितना आप मन में उस विवाद के बारे में सोच कर उत्तेजित होकर वह बदला लेने के लिए विचार करके अपनी ऊर्जा का क्षय करते हैं। प्रत्येक कर्म यज्ञ रूप में करना चाहिए। जिस प्रकार यज्ञ में डाली गई वस्तु भगवान को अर्पित है तथा वापस प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार अपने प्रत्येक कर्म को संसार रूपी हवन कुंड में भगवान के निमित्त आहुति मानकर करना चाहिए। उससे किसी फल की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म मेरा कर्तव्य है यह मानकर करना चाहिए। नेक्स्ट, अपने आप को कर्ता मत मानिए। आप कुछ भी नहीं करते हैं, सभी कर्म आपसे प्रकृति जबरन करवाती है। इंद्रियों को संयम से वश में करना संभव है, क्योंकि शरीर से इंद्रियां बलवान है, इंद्रियों से मन बलवान है, मन से बुद्धि बलवान है तथा बुद्धि से आत्मा बलवान है। अतः जो अपनी आत्मा की श्रेष्ठता जानता है, जो बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इंद्रियों को आसानी से पराजित कर कामना रूपी शत्रु को मार सकता है, आप अपने आप को कर्ता मत मानिए। फालतू अपना अहंकार मत बताइए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इस पद पर हूँ, मैं उस पद पर जाने वाला हूँ। सभी कर्म आत्मा द्वारा न किए जाकर प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अतः शरीर भले ही कर्म करता रहे, मन से कर्मों का त्याग होना चाहिए। अर्थात मन कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए, तभी मनुष्य अपने शरीर में सुख से रह सकता है। नेक्स्ट, सबको समान भाव से देखिए। जो ना खुश होता है ना दुखी होता है, सदैव एक भाव से रहता है, ऐसी स्थिर बुद्धि वाला ही भगवान को जानता है। जो अपने कर्म फल में आसक्ति किए बगैर कर्तव्य के रूप में कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। मन को जीत कर शांत हुआ व्यक्ति भगवान में समाहित रहता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख मान अपमान में एक जैसे भाव में रहता है। ऐसा व्यक्ति अर्जित व अनुभूत ज्ञान से संतुष्ट रहता है तथा कंकड़ पत्थर सोना सबको समान भाव से देखता है तथा शरीर मन आत्मा को परमेश्वर में लगाकर भीड़ में भी एकांत भाव से रहता है तथा समस्त इच्छाओं व संग्रह भाव से मुक्त रहता है।
दोस्तों ये थी श्रीमद् भागवत गीता के 10 महत्वपूर्ण सीख। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।